हेलो स्टूडेंट, वेलकम। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम एससीवी का पूरा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। एससीवी का कोर्स का मतलब क्या है कि पहले मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक एक पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली हम वो बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव वन की, ऑब्जेक्टिव टू की और फिर एक्सरसाइज की। आपको पता है एससी वर्मा कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, आईआईटी जेई और नीट के लिए बाइबल है, मतलब है ना। अगर बोलते हैं एससी वर्मा आपने कर ली अच्छे से, तो आप मतलब हर बच्चे के पास एससी वर्मा होती है, मतलब जो बच्चा तैयारी कर रहा है एससी वर्मा होती है। बीएससी वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो लोग बीएससी लेते हैं फिजिक्स में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एससी वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और हम चालू करते हैं इसका दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर नहीं कर रहे हम, जिसके अंदर यूनिट्स वगैरह हैं तो वो अपन बाद में ले लेंगे कभी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट्स आपको पता ही है, मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर आवर होती है, सेकंड होती है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या होती है वो पता है। तो हम चालू करेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स वाला चैप्टर, जिसको इन्होंने नाम दिया है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर टू, हम क्या करेंगे, हम एक एक पैराग्राफ, तो आप भी एससी वर्मा की बुक लेके बैठ जाइए, मेरा नाम है हर्ष अग्रवाल, आप एक एससी वर्मा की बुक लेके बैठ जाइए। उससे क्या होगा कि आप समझ सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, फिर पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस हो जाएगा। और एससी वर्मा में जिस हिसाब से थ्योरी, मतलब मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उनको, इनफैक्ट मैं हाथ जोड़ के पहले उनके लिए थोड़ा सा आशीर्वाद लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा रहा आपको एससी वर्मा की ये बुक, वो ही आपको पढ़ा रहे हैं, मैं बस उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। चलो, तो इसमें लिखा हुआ जो पहला पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो लैंग्वेज है वो सब लिखा हुआ है इसके अंदर। और इसमें एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट चीज है, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, ये सब चीजें आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, अगर आप 11th में भी हो तो। और अभी हम क्या चालू करेंगे, नया वेक्टर एलजेब्रा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस चैप्टर में ये हम पढ़ने वाले हैं, एलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। अब क्या होता है, अच्छा, और एरर्स एंड मेजरमेंट भी करने वाले हैं, एरर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट भी करने वाले हैं। तो अब बेसिकली क्या होता है कि इस ये जो चीज है ना, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो क्लास 12th के अंदर, आप उठा के देखो मैथमेटिक्स में क्लास 12th के अंदर ये तीन चीजें ही आती है, एक और चीज आती है प्रोबेबिलिटी, बाकी चालू होता है वो कैलकुलस से, लिमिट्स, फंक्शंस, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, उसके बाद मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर द ग्राफ, ये सब हम पढ़ने वाले हैं एक तरह से फिजिक्स की शुरुआत में। तो इसीलिए बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट भी लगती है। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सर फिजिक्स डिफिकल्ट होती है, केमिस्ट्री आसान होती है, ऐसा क्यों? तो मैं ये बोलता हूँ कि फिजिक्स में जिस चीज से बच्चे भाग रहे होते हैं वही चीज उनको आप पकड़ लेती है, वो भी पहले चैप्टर में। फिर आपका 12th क्लास के अंदर ही आता है मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर्स आता है ना, वेक्टर्स आता है, 3D ज्योमेट्री आती है, तो वो सब हम चीज यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसलिए कई बच्चों की पढ़ती है, तो ये चैप्टर इससे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और ये चैप्टर से ही अगर आप चालू करोगे पढ़ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे। एलजेब्रा की तो आपको बेसिक रूल्स होता ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वगैरह होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक दो चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, पहले उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बोल दो, ज्योमेट्री बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो। तो बेसिकली क्या होता है, एक ये ट्राइंगल होता है, उसके अंदर ये थीटा होता है, तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटन्यूज होता है, इसको पी भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटन्यूज। और दो इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं, साइन थीटा, या फिर तीन बोल दो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो शुरुआत करने से पहले, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स के अंदर बहुत काम आने वाला है ये। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा होता है सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपने पास आ गया, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया। अभी याद कैसे रखते हैं, देखो एक मैं बहुत अच्छा काम करने वाला हूँ आपके साथ, कि जो भी चीजें आपको दिक्कत आती है याद करने में, उसके आपने भी कुछ तरीके बनाए होंगे, बट मेरे तरीके भी बना लोगे तो भी सही रहेगा। मैंने भी कुछ तरीके बनाए थे जब मैं सीख रहा था, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ही खराब सी रहती है जनरली, ठीक है ना। तो मैं कैसे याद रखता हूँ इसको, देखो साइन का मतलब जो होता है ना, साइन का मतलब सिन, साइन का मतलब इंग्लिश में इसको सिन अगर पढ़ते हो, सिन, सिन का मतलब क्या होता है, अगर सिन को आप मतलब देखो आपको पता होगा सिन का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है पाप। तो बेसिकली साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यों है, क्योंकि थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसको थीटा ने दूर भगा दिया, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको याद है तो आप स्किप कर सकते हो, आगे चल सकते हो। तो साइन थीटा सिन, सिन करा है परपेंडिकुलर ने, तो परपेंडिकुलर ने सिन करा इसलिए उसको दूर भगा दिया, इसलिए साइन के साथ क्या आता है, दूर वाला एंगल मतलब परपेंडिकुलर। कॉस को कैसे याद रख सकते हो, कॉस का मतलब है को एग्जिस्ट करना, कॉस मतलब को एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट, तो को एग्जिस्ट करना मतलब, को एग्जिस्ट करना मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है, देखो हाइपोटेन्यूज दोनों में नीचे आ गई, ये जो लाइन है ये इस एंगल के साथ को एग्जिस्ट कर रही है, साथ में रह रही है, तो इसके कॉस में क्या आता है, बेस आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है कि, हाँ चौक टूट गई, साइन का मतलब होता है कि
साइन का मतलब कि कोई पाप किया है, सिन किया है, इसलिए उसको दूर भगा दिया, मतलब परपेंडिकुलर। कॉस का मतलब क्या होता है? साथ में। एक और ट्राइंगल काम आएगा आपके, जिसको हम बार बार यूज करेंगे क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल ट्राइंगल है। ब्यूटीफुल का मतलब सुन जाता हूँ, 37 डिग्री, 53 डिग्री। अगर ये 3 है तो ये 4 है और ये 5 है। आपको ये तो पता ही है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 3 4 5, तो पता ही होगा आपको 90 डिग्री। अगर होगा तो ये और याद रखना इसके एंगल्स 37 डिग्री होते हैं, 53 डिग्री इस, क्योंकि एससी वर्मा बुक के अंदर भी, और अगर आप बाकी अपने डीपीपीस करोगे, आप अपनी शीट्स करोगे, किसी मॉड्यूल्स वगैरह करोगे, हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ करो, बट द पॉइंट इज कि अगर आप करोगे तो 37 डिग्री के अगेंस्ट 3 होता है, 53 के अगेंस्ट 4। इसको वैसे भी कर सकती हूँ, इसकी जगह 6 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, मतलब मल्टीपल्स। रेशियो 3:4:5, 30 भी कर सकते हो, 30:40:50, और कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3:5:15, तो यहाँ पे 15, तो 4:5:20, और फिर यहाँ पे 5:5:25। तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसको कर दूँ, 3:4:5 का रेशियो आपको याद रखना है। अब ये भी मुझे याद रखने में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले तो हम एक चीज समझ लेते हैं, याद रखने के लिए बहुत आसानी होगी, कि छोटे एंगल के अगेंस्ट छोटा साइड आएगा, बड़े एंगल के अगेंस्ट बड़ा साइड आएगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कौन सा है? 37, 3 एंगल, 37, 53 और 90। देखो 53 और 37 कितना? 90 है ना? बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको आता है तो स्किप कर दो। 37, तो 37 के अगेंस्ट 3 आएगा क्योंकि सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा कौन सा? 90, तो 90 के अगेंस्ट 5 आएगा, बीच वाला कौन सा? 53, तो इसके अगेंस्ट 4 आएगा। सबसे पहले तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये याद रखते आपको याद हो जाएगा। दूसरा ये भी याद रख सकते हो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो उस हिसाब से आप 3 से कोलैबोरेट कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अब अगर हम इसमें कॉस और साइन को देखेंगे, अब अगर हम इसमें कॉस और साइन को देखेंगे तो क्या होगा? देखो इस एंगल की बात कर लेते हैं पहले, तो कॉस ऑफ 37 और साइन ऑफ 37, तो कॉस ऑफ 37 का मतलब क्या हुआ? कॉस, कॉस मतलब कोएग्जिस्ट, कोएग्जिस्ट मतलब क्या लेंगे हम? ये वाली साइड लेंगे जो साथ में है, मतलब 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो आएगा ही। साइन, साइन मतलब जिसने पाप किया, मतलब दूर चले गई, वो होगा 3/5। यहाँ तो बच्चों को दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब बच्चे बोलते हैं ना सर कॉस ऑफ 53 कैसे निकालेंगे, तो बच्चों को दिक्कत आती है, और साइन ऑफ 53 कैसे निकालेंगे तो दिक्कत आती है, क्योंकि अब जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन गया 53 के लिए, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन एक्चुअली में फिगर के हिसाब से बेस है, तो इसलिए दिक्कत आती है बच्चों को, ये दिक्कत आती है। इसलिए मैंने फॉर्मूला ही ऐसा बना रखा है, परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से याद नहीं रखना है, क्योंकि आपको आपने वो याद रखा होगा भारत पाकिस्तान कुछ कुछ तो वैसे याद रखा होगा, तो वो कंफ्यूजिंग होता है इस केस में। अब क्या होगा? कॉस ऑफ 53 क्या हो जाएगा? देखो कॉस, कॉस कॉस का मतलब कोएग्जिस्ट कौन कर रहा है 53 के साथ? 3 या 4 कोएग्जिस्ट, व्हिच इज कोएग्जिस्टिंग विद 53, 3 या 4 कोएग्जिस्ट कर रहा है 3, और हाइपोटेन्यूज तो 5 है, और साइन 53, 53 के साथ, 53 के अगेंस्ट, 53 से को दूर किसने भगाया? 53 ने किसको दूर भगाया? किसने पाप किया था? 53 से दूर 4 है, तो इसने पाप किया था, तो 4/5 ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये तो होता ही है कि साइन ऑफ 37 कॉस ऑफ 53 के बराबर होता है, आपको पता ही होगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, तो इससे भी आप इन दोनों का रिलेशन बराबर याद रख सकते हो, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये ट्राइंगल रटर अच्छे से रटना क्या है समझ लो, मतलब शायद जिंदगी भर के लिए मैंने याद करवा दिया होगा आपको। मैं जो भी फॉर्म ले, देखो मैं फिजिक्स क्यों पढ़ाना चालू किया था IIT बॉम्बे जब मैंने पास आउट किया था, उसके बाद मेरे से केमिस्ट्री थी और फिजिक्स थी दोनों में लगभग बराबर से नंबर आए थे IIT के एग्जाम में। मैथमेटिक्स मेरी थोड़ी खराब थी बिकॉज मुझे सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत लगता था, तो फिजिक्स इसलिए पढ़ना चालू किया था बिकॉज जब मैंने फिजिक्स पढ़ा था 11th 12th में, मैंने फिजिक्स में कुछ याद नहीं करा था, फिजिक्स में सारी चीज़ों को मैंने ऐसे याद करा था जिंदगी भर के लिए। तो मैं आपको जो फॉर्मूले भी आएंगे इसके अंदर, जो टेक्निक्स आएंगी जिनको कुछ लोग ट्रिक्स बोलते हैं, टिप्स बोलते हैं, उनको मैं आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगी चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप पढ़ोगे साथ में। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन, मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरा सही है ना, कैमरा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो क्वालिटी मैं इंप्रूव करता रहूंगा, ये पहली बार मैंने हरे बोर्ड पे काम कर रहा हूँ तो इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो सकती है। वेक्टर्स एंड स्केलर्स पे आते हैं, काफी बच्चों को पता होगा वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। सर स्केलर मतलब होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो केवल, जैसे 5 किलो, तो स्केलर का मतलब क्या होता है? जैसे 5 kg, ये एक स्केलर क्वांटिटी है 5 किलो। हम कभी ये नहीं बोलते 5 किलो उस तरफ या 5 किलो इस तरफ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो वेक्टर्स होती है, वेक्टर्स होती है, फॉर एग्जाम्पल 5 m/s टूवर्ड्स ईस्ट। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई गाड़ी चला रहा हूं मैं और गाड़ी किस तरफ लेके आनी है, या फिर आपका दोस्त है एक जिसको आपने फोन करके बोल रहे हो कि यार इस तरफ आ जा, तो या तो आप पता दोगे, लेकिन अगर आप पता नहीं दोगे, आप मान लो डेजर्ट के अंदर हो, तो आप क्या बोलोगे? ये सूरज है उसकी तरफ आ जा, मैं तू जहां खड़ा है मैं सूरज की तरफ खड़ा हूं, या सूरज पे पीठ करके आया, तो आप एक डायरेक्शन भी मेंशन करोगे। या फिर अगर आपको अच्छे से पता है कि सूरज की वजह से ईस्ट और नॉर्थ कैसे देखेंगे, या फिर आपके पास एक कंपास है तो आप बता सकते हो उसको कि है ना नॉर्थ की तरफ आ जाए, या फिर 15 डिग्री पे आ जा नॉर्थ से, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती तो जिसके अंदर हमको डायरेक्शन भी देखने की जरूरत होती है। अच्छा इसके अंदर भी है ना दो चीजें होंगी, जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जगह हम स्पीड भी यूज कर सकते हैं, हम वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम पूछेंगे भाई गाड़ी कितनी चली,
पेट्रोल का कंजम्पशन मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि गाड़ी कितनी चली, तो आप बोल दोगे आज गाड़ी 20 किलोमीटर चली है, हाँ तो 20 किलोमीटर चली तो 1 लीटर के आसपास खर्च हुआ होगा, तो वो उसके लिए क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो दिल्ली से जयपुर जाने के लिए आपको एक डायरेक्शन भी चाहिए किस तरफ जाना है, वो जो नॉर्थ की तरफ रूट जाती है उसको पकड़ के जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो एक पर्टिकुलर चीज हो गई, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम न्यूमेरिकल वैल्यू से बता सकते हैं, जैसे 5 किलो का एक ब्लॉक है उसको हम बोलेंगे 5 किलो। और एक और चीज इसमें दे रखी है कि अगर मैं 5 किलो को 2 किलो से ऐड करूंगा हमेशा आंसर कितना आएगा 7 किलो, लेकिन अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड को टूवर्ड्स ईस्ट से 2 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स वेस्ट से ऐड करूंगा, या फिर 5 मीटर ही मान लो 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट को 2 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट से ऐड करूंगा, तो आंसर अब यहाँ पे 7 किलो नहीं आएगा, बिकॉज डिपेंड करेगा डायरेक्शन क्या है। 5 और 2 अगर ईस्ट ईस्ट में होते तो 7 बनता, 5 और 2 ईस्ट और वेस्ट में है तो 3 बन गया, भाई कोई 5 मीटर ईस्ट में गया फिर 2 मीटर वेस्ट में आ गया, तो कितना कितना एक्चुअल उसने कितना दूरी पे है वो अपने वहां से 3 मीटर। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर हमको ट्रैवल करना पड़ेगा, पार्टिकल्स मूव करेंगे, पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, फोर्स लगाएंगे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स की बात कर लेते हैं, जैसे ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर मैं 2 फोर्स लगाता हूँ 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का, अब मुझे बताओ टोटल फोर्स कितना हुआ, क्या टोटल फोर्स 10 न्यूटन हुआ? नहीं हुआ। टोटल फोर्स कितना हुआ? 0। क्यों हुआ 0? क्योंकि फोर्स की वजह से ब्लॉक मूव करेगा, लेकिन इस केस में फोर्स की वजह से ब्लॉक मूव नहीं करेगा, 5 और 5 मिलकर क्या बन रहे हैं 0। लेकिन अगर मैं ऐसे लगाऊंगा 5 और 5 तो अब क्या बन रहा है 10। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि 5 प्लस 5 10 होते हैं। तो जो हमने आज तक पढ़ा था ना क्लास 10 तक शायद, कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, अब फिजिक्स में शायद वो भी पढ़ने वाले हैं कि 2 और 2 0 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और 0 से लेकर 4 के बीच में भी कुछ हो सकते हैं। तो वो जो चीज है वो हम वेक्टर से बात करेंगे। तो 5 प्लस 2 जब हमेशा साथ बना रहे तो वो स्केलर है, मतलब जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो, पूरा पॉज करके पढ़ सकते हो। कुछ क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। वेलोसिटी एग्जाम्पल हो गया, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, बट साथ में वेलोसिटी भी दे रखा है। तो जैसे एक वेक्टर बना देते हैं हम, एरो बना देते हैं उसके लिए, जैसे मैंने एरो बनाया यहाँ पे, है ना। हम ये भी कर सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसकी भी हम जानकारी कर सकते हैं। फिगर 2.1 का मतलब समझाता हूँ मैं बेसिकली, और जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसका मतलब समझाता हूँ मैं। तो क्या बोल रहा है कि मास लिखते वक्त तो हमने कोई डायरेक्शन बनाई नहीं थी, लेकिन वेलोसिटी लिखते वक्त हमें डायरेक्शन बनाएंगे। जैसे मान लो ऐसे, इसको मैं बोल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इस तरफ, तो ये इसको वेक्टर बोलते हैं, जो सिंबल है ना एरो तीर, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। तीर को क्यों वेक्टर बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर एक डायरेक्शन एरो आ गया। इसको हेड बोलते हैं, वो आगे बता देंगे सर। इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड और इसको टेल। तो एक तो ये चीज है, दूसरी चीज है क्या बोल रहे हैं, अब 5 किलोमीटर का कोई वेक्टर है तो उसको आप कॉपी में तो बना नहीं सकते ना। तो जैसे आप 10th क्लास में ग्राफ्स करते हो कि मैं 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्ल्ड का ग्राफ करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि जैसे ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये मैंने 5 मीटर मान लो मेरे को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 5 मीटर तो 2 कमरों के बराबर हो जाएगा, बोर्ड 1 मीटर का बोर्ड हो गया, ये 5 बोर्ड के बराबर हो जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया फॉर एग्जाम्पल कि ये मैं 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो इतना बड़ा 5 सेंटीमीटर जितना बड़ा मैंने एक वेक्टर बना दिया, जिसको मैंने 5 मीटर का वेक्टर बोल दिया। तो ये बोल रहे हैं। दूसरी बात है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है वेक्टर की। और तीसरी बात क्या है, एक और चीज जो शायद वो आगे बताने वाले हैं, वो ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड में भी टेकन इज 5 टाइम्स दिस यूनिट। मतलब अगर मैं 1 मीटर का इतना बना रहा हूँ वेक्टर, तो 1 2 3 4 5 ये मेरा 5 मीटर का वेक्टर बन जाएगा। 3 मीटर का बनाना है तो 1 2 3 ये मेरा 3 मीटर का बन जाएगा। ऐसा मत कर देना कि 3 मीटर को लंबा बना दिया, 5 मीटर को छोटा बना दिया। कॉमन सेंस है, अगेन फिजिक्स में जो मोस्टली चीजें होंगी वो कॉमन सेंस से होगी। रटना बहुत ही, फिजिक्स की ब्यूटी क्या है कि रटना बहुत ही कम पड़ेगा, और फिजिक्स में डिफिकल्टी क्या है कि रटना बहुत ही कम पड़ेगा। ब्यूटी क्यों है रटना बहुत ही कम पड़ेगा? ऑब्वियसली याद कम चीजें करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत आती है, इनऑर्गेनिक में सॉल्ट का कलर याद करो, ये याद करो, वो याद करो। फिजिक्स में रटना कम पड़ेगा तो आपको लगता होगा फॉर्मूले बहुत है, फिजिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे साथ बने रहो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। दूसरी क्या बात है, ये दिक्कत वाली बात है, अब रटना ही नहीं है तो कुछ याद ही नहीं करना। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे फिजिक्स कर लो, लेकिन फिर भी मैं आपको 100 सवाल दे सकता हूँ उसी कोर्स में से, जो एक भी आपसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि जब मैं ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर पढ़ाता हूँ, तो
फिर उनको मैं उसी लेवल के सवाल करवाता हूँ। आपने एस सी वर्मा सुना होगा, उसके ऊपर आपने इरोडोव सुना होगा, उससे आपने प्रोटोव सुना होगा, उसके ऊपर एक और बुक आती है 200 प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, फिर आती है 200 एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, और भी बुक्स आती है, वहां तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी निकल जाती है। बट द पॉइंट इज कि हमको शुरू कहाँ से करना है, एस सी वर्मा से हम शुरू कर सकते हैं। एस सी वर्मा पूरी कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद इरोडोव पे जाएंगे, टाइम रहेगा तो, टाइम नहीं रहेगा तो एस सी वर्मा भी एडवांस तक के लिए सफिशियंट होती है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम आगे, एक और चीज शायद आगे आ जाएगा, मैं बता देता हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर हुआ, तो अगर मैं बोल रहा हूं 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 5 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। भाई ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का उल्टा ना, तो वेक्टर को उल्टा कर दो डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, बुक लेके बैठ जाओ, पढ़ते रहो साथ में। ये बता ही दिया कि इसको अपन हेड बोलते हैं, इसको अपन टेल बोलते हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या समझाऊं, इसमें कुछ समझने का ही नहीं, तीर सबने देखा ही होगा। हाँ अब ये देखो, बिना वेक्टर एडिशन को टॉपिक डाले कितनी प्यार से, है ना, एस सी वर्मा सर, और ये बहुत ब्यूटी है एस सी वर्मा बुक की और एस सी वर्मा सर के एक्सप्लेनेशन की, कितने प्यार से वो है ना समझाते हैं। मैं एक है ना पेन लेके आ रहा हूँ, मैं समझा पाऊंगा आपको क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आप एक बार पढ़ लो तब तक, इसलिए मैं इस माइक को टी शर्ट के बाहर डाल के रखता हूँ जिससे आसानी रहे निकालने में। खैर आप पढ़ लो इसको तब तक, मैं समझाता हूँ आपको। इसमें क्या बोला हुआ है, एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो अंधेरा कमरा है और इस पेन के अंदर एक जुगनू है ना, इस पेन को भी ये हटा दो, इस पेन के अंदर एक जुगनू है छोटा सा, जुगनू लाइट जलाएगा, है ना। अब मान लो जुगनू इस पेन के अंदर चल रहा है, ये एग्जांपल देख लो पहले आप, जुगनू इस पेन के अंदर चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड से, अंधेरा है, लाइट बंद कर रखा है, तो आपको क्या दिखेगा, आप दूर से देखोगे जुगनू ऐसे जा रहा है और स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, 3 मीटर्स। दूसरा केस लेते हैं, मान लो जुगनू स्टेशनरी है लेकिन पेन ऊपर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, जुगनू स्टेशनरी है लेकिन पेन ऊपर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो पेन 1 सेकंड के अंदर कितना मूव कर लेगा, मतलब आपको लाइट किस तरफ जाती हुई दिखेगी, ऊपर की तरफ। जब जुगनू स्टेशनरी है और पेन ऊपर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, द लाइट विल बी गोइंग इन द अपर डायरेक्शन, व्हेन द पेन इज स्टेशनरी एंड द जुगनू इज मूविंग, द लाइट विल बी गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट वॉट इफ द बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, दोनों चीज साथ में हो रही होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा उस केस में कि पेन, ये मेरी इस उंगली को देखना, पेन भी ऊपर जाएगा और उंगली भी ऐसे मूव करेगी, तो जो कंप्लीट मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब जो उंगली, जो जुगनू है वो ऐसे मूव कर रहा होगा, ट्यूं ट्यूं, जुगनू एक्चुअली में ऐसे मूव कर रहा है, पेन ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि जुगनू पेन के अंदर है इसलिए जुगनू का जो मोशन होगा ऐसा होगा, ठीक है। 1 सेकंड की बात करेंगे तो 1 सेकंड में t = 0, t = 1 सेकंड, ए से लेके बी तक तो पेन के अंदर चला जाएगा, लेकिन क्योंकि पेन खुद ऊपर चला गया तो जुगनू एक्चुअली में यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब जुगनू ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हाउ फास्ट इज द बॉल मूविंग, जुगनू मूविंग एज सीन फ्रॉम द रूम, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होता है 5 मीटर्स। तो कितनी ब्यूटीफुली एस सी वर्मा सर ने इस चीज को समझाया कि दो वैक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, ये फर्स्ट वेलोसिटी वैक्टर था, ये सेकेंड वेलोसिटी वैक्टर था, और दोनों का एडिशन ऐसा आया, ठीक है, समझ में ही बात। तो एक्चुअल अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड के अंदर जुगनू यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जुगनू का जो स्पीड आया वो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कितनी होती है, अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये एंगल होगा कितना, ये एंगल होगा 53 डिग्री। 53 डिग्री क्यों होगा, बिकॉज ये एंगल 37 होगा, बिकॉज 33 के अगेंस्ट है, ये होगा 53 डिग्री, ठीक है। तो ये फंडा है पूरा, ये बताना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन कर दिया होगा इसमें नीचे, ठीक है, थीटा 53 डिग्री दे रखा है, 5 मीटर। तो अब ये बोल रहे हैं कि जनरल रूल फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी मे बी स्टेटेड एज फॉलो, क्या रूल है, ड्रॉ ए लाइन ए बी रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट वेलोसिटी विद बी एज द हेड, मतलब दो वैक्टर को ऐड करने के लिए हमको क्या करना है कि एक तो मान लो ये वैक्टर है, ये ए और बी, बी हेड है अपना, बी क्या है, हेड, ड्रॉ अनदर लाइन बी सी रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड वेलोसिटी विद इट्स टेल बी कोइंसाइडिंग विद द हेड ऑफ द फर्स्ट लाइन, मतलब जो दूसरा वेलोसिटी है वो ऐसे बना दो, ये बी सी है, ये पॉइंट सेम ही है ना, तो बी सी,
देखो हो क्या रहा था, अपने पास दो वेलोसिटीज थी, एक इस तरफ थी एक इस तरफ थी, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के लिए मेरे को इसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो ये बोल रहे हैं इसको यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, मतलब ये जो वेलोसिटी थी इसको भाई ये ऊपर की तरफ, यहाँ बनाऊँ यहाँ बनाऊँ यहाँ बनाऊँ यहाँ बनाऊँ, चेंज नहीं होगा, घुमाऊंगा तो चेंज होगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या बता रही है, ऊपर जा रही है। तो इसको यहाँ रख दो यहाँ रख दो यहाँ रख दो, चेंज नहीं हुआ। तो ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया, पहले वाले की हेड पे दूसरे वाले का टेल रख दिया, पहले वाले की हेड पे दूसरे वाले का टेल रख दिया, पहले वाले की हेड पे दूसरे वाले का टेल, हेड पे पहले वाले की क्या रख दिया, हेड पे पहले वाले की क्या रख दिया, दूसरे वाले का टेल। आगे क्या बोल रहे हैं, द लाइन ए सी विद ए एज द टेल एंड सी एज द हेड रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये जो लाइन है ये ए एज द एंड ये है अपने रिजल्टेंट, तो ये बी वन है मेरे पास, ये बी टू है मेरे पास, और वेक्टर्स को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर के ऊपर एरो लगाते हैं ऐसे, ठीक क्यों, तो ये क्या है बी वन प्लस बी टू वेक्टर, ये वेलोसिटी वन है वेलोसिटी टू है, तो ये क्या है बी वन प्लस टू। अब मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से बताना चाहता हूँ, चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, ये अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो मुझे इतना बता दो कि एक इंसान है वो पहले ए से बी गया, वो बी से सी गया, तो आप ये बताओ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी, पहला उसने ए से बी मूव करा, फिर उसने बी से सी मूव करा। अगर मैं ये बोलूं कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का एक वेक्टर बनाना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पता होगा क्या होता है, नहीं होता तो आप आगे कर लेंगे, बट मुझे ये बताओ कि अगर मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूं एरो लगा के, तो यही तो होगा, तो बड़ा ही सिंपल है, ऐसा कोई इसके अंदर भी कोई वो नहीं है कि रटना है, बच्चे इसको भी रटते रहते हैं, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री, अरे सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है यार, डिस्प्लेसमेंट याद रख लो ना यार, कि मैं यहाँ से यहाँ गया फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, अगर किसी ने मेरा पूरा मोशन नहीं देखा मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, तो उसको क्या लग रहा होगा, मैं तो यहाँ पे था इनिशियल, इसको आई लिख रहा हूँ मैं, और मैं यहाँ था फाइनल, इसको एफ लिख रहा हूँ मैं, तो कोई तो ये बोलेगा ना, अगर उससे ये चीज़ छुपा दी जाए, अगर उससे ये चीज़ छुपा दी जाए तो वो तो ये बोलेगा ना, मैं तो यहाँ से यहाँ गया था, तो ये सिंपल है वेक्टर एडिशन यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर 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 और नीचे चला गया, फिर और नीचे चला गया, तो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वेक्टर है, इनका एडिशन क्या होगा, उसको तो पता ही नहीं ना बीच में क्या हुआ, उसको तो मैंने बताया शुरू करते वक्त मैं यहाँ पर हूँ, एंड करते वक्त मैं यहाँ पर आ गया, तो उसको क्या पता है इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, ये वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी आगे पढ़ने वाले हैं, ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, हम आगे कर लेंगे उस चीज को, आगे देखते हैं। तो 2.3 में कंस्ट्रक्शन बताया वो मैंने आपको बता ही दिया, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ट्राइंगल बन गया था, ट्राइंगल बन गया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो फर्स्ट वेलोसिटी सेकंड वेलोसिटी डिस्टेंस को लगती है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और डिस्टेंस चले आते हैं, चलो आते देते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन व्हिच कैन बी एट द अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल टू कॉल्ड वेक्टर। तो वेक्टर को, अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, लेकिन नहीं, ये दो कंडीशन ही जरूरी नहीं है, सफिशियंट नहीं है, तीसरी एक और कंडीशन होनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हमको लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे करंट होता है, तो मान लो करंट है, जैसे ये एक करंट है 1 एम्पियर का, फिर ये एक और करंट है 2 एम्पियर का, ये दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो अब ये ब्रांच किस भी तरफ हो, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, इसका आंसर हमेशा 3 एम्पियर ही आएगा ना, जबकि करंट के पास तो डायरेक्शन भी होता है और करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन अगर मैंने 1 एम्पियर और 2 एम्पियर को ऐड कर दिया तो आंसर क्या आएगा, 3 एम्पियर आएगा, कि कहीं भी वायर जा रहा हो कैसे भी जा रहा हो, तो इसलिए करंट क्या है वेक्टर नहीं है, बिकॉज करंट के पास डायरेक्शन तो है मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन करंट को हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ऐड नहीं कर सकते। आगे बताया होगा कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो ए बी ऊपर एरो लगा दो, ए बी के ऊपर, या जैसे वेलोसिटी उसके ऊपर एरो लगा दो, फोर्स के ऊपर एरो लगा दो, या फिर ना बोल्ड लिख दो उनको बोल्ड। अब आप कॉपी में तो बोल्ड लिख नहीं पाओगे ना, उसको मोटा तो कर नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा मोटा हुआ कि हल्का हुआ, इसे कॉपी में लिखने के लिए आप हमेशा क्या करा करो कि जैसे कोई दो वर्ड्स लिख के उसके ऊपर एरो लगा दिया करो, बी सी का मतलब क्या हुआ, बी से चालू होकर सी पे जा रहा है वो, लेकिन अगर आपको ऐसे बोला है कि वेलोसिटी वेक्टर फोर्स वेक्टर, तो एफ बना दो उसके ऊपर एरो बना दो, वी बना दो उसके ऊपर एरो बना दो, ये हो जाएगा अपना वेक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट डज नॉट एड अप अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल रूल, इट विल नॉट बी कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट, अरे यार मैंने बता दिया ना, इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट देर इज नो मीनिंग ऑफ ट्राइंगल रूल देयर, दस इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी।
आगे भी देख सकते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे कि इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम, दस ए पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, जो बताया ना आपको, ये वेक्टर भी ऊपर जा रहा है, ये वेक्टर भी ऊपर, ये वेक्टर भी ऊपर, ये वेक्टर भी ऊपर, अगर मैंने इसको रोटेट नहीं किया या फिर इसको छोटा या बड़ा नहीं किया तो वेक्टर सेम रहेगा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हम कर ही चुके हैं, द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड अबव, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, ए डायग्राम इज ड्रॉन विद द टेल ऑफ बी कोइंसाइड, द वेक्टर जॉइनिंग द टेल शोज द कंस्ट्रक्शन, सेम रूल मे बी अप्लाइड इन ए स्लाइटली डिफरेंट वे। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको क्या बोल रहे हैं ये। देखो तीन केस कर सकते हैं वेक्टर एडिशन के अंदर। पहला केस क्या, कि वेक्टर्स ऐसे हों या ऐसे हों, है ना, पहला केस तो ये हो गया, वेक्टर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, मतलब एक वेक्टर को 4 ले लो, एक वेक्टर को 3 का मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये ऐड करके क्या बन जाएगा, 7, थोड़ा लंबा बना लो इसको, इसको 4 लिया, इसको 3 लिया, तो ऐड करके क्या बन जाएगा, इस तरफ 1, ये तो सिंपल है। मैं 4 इस तरफ गया, फिर 3 और इस तरफ गया, तो इनिशियल से मैं कहाँ से उठ के आ गया, 7 पे। मैं 4 इस तरफ गया, फिर 3 इस तरफ आया, तो इनिशियल से कहाँ उठ के आया, 1 पे। दूसरा केस हमने क्या लिया जो हम पढ़ चुके हैं, कि परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, 4 और 3, मतलब ये V1 है, 4 इसका मैग्नीट्यूड है, और इसका, तो इसका मैं वहां से बना दूंगा 5 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये भी सही है, यहाँ तक भी सही है ना। और ये अपन को क्यों समझ में आ गया, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं इसको जो बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर्स को अपन कैसे ऐड करते हैं, वो अपन पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं अपन, वैसे तो इजाद इंडिया में हो गया था, बट पाइथागोरस बोल देते हैं अपन, ऐसी रेस्पेक्ट दे देते हैं। अब केस थ्री क्या है कि सर ये तो आपने बता दिया कि दो वेक्टर्स अगर सेम लाइन में होंगे या 90 डिग्री पे होंगे तो क्या करना है, लेकिन अगर वो वेक्टर्स के बीच में कुछ भी अजीबो गरीब एंगल हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ऐसा दूसरा एंगल ऐसा, तो इनको कैसे ऐड करना है, वो एक वेक्टर ऐसा भी, पहले मैं यहां से यहां गया, फिर मैं यहां से यहां गया, तो इसको कैसे ऐड करना है, भाई इसको भी ऐड करने का तरीका तो यही होगा ना, कि पहले मैं यहां से यहां गया, फिर मैं यहां से यहां गया, तो दोनों को ऐड करने का तरीका क्या होगा, कि एक को यहां रखो, दूसरे को ऐसे रख दो, और फिर रिजल्ट को ऐसे निकाल दो, ये V1 बोल दो, ये V2 बोल दो, ये क्या है, V1 प्लस V2। लेकिन दिक्कत क्या है ना सर, हमको तो ये पता ही नहीं कि इसका लेंथ क्या हो, इसका लेंथ तो मैंने निकाल लिया 5, और इसका एंगल भी इसलिए निकाल पाया क्योंकि आपने एक ट्राइंगल बता दिया था 3 और 4 और 5 का, बट फिर भी इसके अंदर भी चलो एंगल हम निकाल लेंगे कि कैसे तरह है, बट इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर तो ये एंगल तो हमको पता ही नहीं है कितना है, ये एंगल हमको पता ही नहीं है कितना है, ये एंगल कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, याद थोड़ी करते रहेंगे हर एक चीज का फॉर्मूला। तो इसलिए हमने क्या करा, इस केस थ्री को अच्छे से हमने समझने के लिए क्या करा, हमने क्या करा, हमने दिखाई चतुराई, क्या दिखाई, चतुराई, हमने ये चतुराई दिखाई कि एडिशन तो ये होगा, ये सबको समझ में आता ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, पहला वेक्टर यहाँ से यहाँ, दूसरा वेक्टर यहाँ से यहाँ, रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ, लेकिन इसको ऐड कैसे कर रहे हैं, इसको ऐड कैसे कर रहे हैं वो दिखाता हूँ। अच्छा दूसरा फिगर भी देख लो, दूसरे फिगर में क्या है, जैसे इसमें समझा देता हूँ मैं आपको, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है। क्या करा इन्होंने, यहां तो सेम बना दिया, फिर बी को इन्होंने यहां की जगह यहां बना दिया, तो भी इधर ही आएगा ना रिजल्ट, रिजल्ट तो यही आएगा, मतलब ये बोलते हैं कि अगर मैंने गलती से, वैसे तो एक की हेड पे अपन को दूसरे का टेल रखना है, बट अगर मैंने गलती से दोनों की टेल को कोइंसाइड करवा दिया तो फिर मैं क्या करूंगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूंगा, और ऐसे बना के वापस से उसका डायगोनल निकाल दूंगा, बुद्धू बनाने वाली बात है, कुछ नहीं समझना, ट्रायंगल ऑफ एडिशन आता है तो अच्छी बात है। अब ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है, वही है कि वी ड्रॉ वेक्टर्स ए एंड बी विद बोथ द टेल्स कोइंसाइडिंग, तो अगर दोनों की टेल कोइंसाइड कर गई, फिर एडजेसेंट साइड मान के हम ट्राइंगल कंप्लीट कर देंगे, पैरेललोग्राम को, और डायगोनल जो होगा वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। हाँ अब बात आती है मैग्नीट्यूड की, कि हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो चतुराई की जो बात कर रहा था वो हमने क्या की, देखो सिंपल है, थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, थोड़ी सी और ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनको ऐड करना है, तो मेरे को ये तो पता है कि दो एक की टेल को दूसरे के हेड पर रख दो, यहां तक तो मेरे को ठीक है, लेकिन 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 ये रिजल्ट कैसे निकालूंगा वो मेरे को एक बार देखना है। तो मैंने क्या करा भाई, मुझे इतना पता है कि मेरे पास अगर दो परपेंडिकुलर लाइन होगी तो मैं कर ही लूंगा। तो फिजिक्स में आने वाले 3-4 चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम टेढ़ी चीजों को सीधी करने वाले हैं, सीधी मतलब ऐसे। तो हमने क्या करा, हमने इस लाइन को
इस ट्राइंगल को अलग से लिखा, अलग से लिख लिया, इस बी को अलग से लिख लिया पहले तो, ये जो बी है, और ऐसे एक है ना ड्रॉ कर दिया कि मैंने इसको ब्रेक, मतलब मैं ऐड करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको इसके साथ ऐड करने के लिए पहले मैं इसको ब्रेक करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो? अगर ये एंगल थीटा है, अच्छा ये एंगल तो पता होगा ना, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो एंगल तो पता ही होगा अपन को, ठीक है ना? ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो वैल्यू है, देखो ये वैल्यू होती है वेक्टर की, जो वैल्यू होती है उसको मैं बी लिखता हूँ, वेक्टर का जो वैल्यू होता है उसको मैं बिना डायरेक्शन के लिखता हूँ। तो ये वैल्यू लिखी है मैंने इसके ट्रायंगल की, है ना? तो ये हटा दो वेक्टर यहाँ पे, ऐसे बना दो ट्रायंगल। तो अगर ये बी है और ये एंगल थीटा है तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ रहा है अपने पास साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ रहा है अपने पास साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपने पास कॉस थीटा आ रहा है ना, मतलब इसको अपन बी साइन थीटा लिख सकते हैं और इसको अपन कॉस थीटा। याद रखने के लिए भी ऐसे ही करोगे कि क्योंकि ये दूर है इसने कुछ पाप किया होगा इसलिए इसमें साइन मल्टीप्लाई होगा, और क्योंकि ये साथ में है कोएग्जिस्ट कर रहा है इसलिए इसमें कॉस मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो तो ए है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ थी वो बी थी, ठीक है, लेकिन यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, बी कॉस थीटा, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, बी साइन थीटा। अब अगर मैं इसको पी पॉइंट बोलता हूँ, इसको क्यू पॉइंट बोलता हूँ, तो मेरे को तो स्ट्रेट लाइन निकालनी थी पी और क्यू के बीच में, मेरे को तो स्ट्रेट लाइन निकालनी थी पी और क्यू के बीच में। तो ये पूरा प्रोसेस क्या बन जाएगा कि मैं एक बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, इस बड़े ट्राइंगल में क्या है, नीचे की साइड बन गई ए प्लस बी कॉस थीटा और ये साइड बन गई बी साइन थीटा, और ऐसे बना दो और ये मेरा रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा कि इस वाली साइड का स्क्वायर, है ना, इसको अपन आर बोल देते हैं, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, इस वाली साइड का स्क्वायर है ना, ये जब ए डी स्क्वायर या फिर ए डी नाम दे देते हैं, पी क्यू की जगह ये दे देते हैं जो इन्होंने लिखा हुआ, ए बी और डी नाम दे देते हैं अपन, है ना, ए बी ई डी कहाँ पर है, डी तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए ई डी। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ए डी का स्क्वायर, तो मेरे को लिखना नहीं है, समझ लो ए डी का स्क्वायर क्या होगा, ये वाला का स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, मतलब ए बी प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा, ये देखो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करा तो अपने पास आएगा, अभी सॉल्व करके बता देता हूँ मैं कैसे आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये सब याद नहीं रखना, ये सब कैलकुलेशन, इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको और इसको देखो, ये है बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर, सो व्हाट इज ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। और अगर इस एंगल को हम अल्फा बोल दें तो व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अभी तुम देखो ये फॉर्मूला तो मैं भी याद नहीं रखता, याद करना सिंपल है वैसे, ट्रायंगल बना लो और याद हो जाएगा, बट ये फॉर्मूला कितना आसान है याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर्स का अगर हमको एडिशन करना है, दो एक का मैग्नीट्यूड ए है दूसरे का बी है, दोनों के बीच में अगर थीटा है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल भी आ जाएगा, बिल्कुल आगे एग्जाम्पल देखो, टू वैक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए टू वैक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए मेक एंगल ऑफ थीटा विद ईच अदर। तो एक वैक्टर ऐसा है ए, मतलब इसको बोल दो कोई वैक्टर, इसको बोल दो ए बी, ए बी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ए है, कैपिटल है छोटा,
कैपिटल, और दूसरा वेक्टर ऐसा होगा, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा है, मतलब इसको एसी बोल दो, तो एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। समझ रहे हो, मैंने यहां लगा दिया इसको, लेकिन मैं उठा के इसको यहां भी लगा सकता हूं। अब मैं ऐड करने के लिए क्या करूंगा, इसको यहां लगा दिया, इसको यहां लगा दिया। बच्चे एक और चीज में कंफ्यूज होते हैं, अगर मैं यहां लगा रहा हूं तो ये है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा, ये नहीं है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, समझ रहे हो। जैसे यार सिंपल सी बात है, जैसे ये एक मार्कर है और ये पेन है, अब इसकी एरो को वेक्टर मान लो, इसकी एरो को वेक्टर मान लो, तो यही तो होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स एंगल क्या बना रहे हैं। इसको तुम यहां रख दोगे तो भी तो यही होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये थोड़ी होगा एंगल, क्योंकि ये तो वेक्टर नहीं हुआ ना, वेक्टर तो ये है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है ना, तो एंगल तो ऐसे निकालोगे ना, ये एंगल नहीं निकालोगे, इसको यहां भी रख दोगे, इसको यहां भी रख दोगे, तो ये भी तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल तो यही होगा ना, ये थोड़ी होगा, इसको यहां भी रख दोगे, दूर भी रख दोगे, तो भी उस तरफ जा रहा है, एक एक उस तरफ जा रहा है, तो दोनों के, तो एंगल कैसे निकालते हैं वेक्टर्स का, ये गलती मत कर देना कभी कि इसको तुम बोल दो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर तो एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल ये वाला आएगा। इसलिए ध्यान से देखो, जब अपन ने ऊपर वो फॉर्मूला निकाला था, अपन ने जब ये किया था तो थीटा को ये लिया था अपन ने, ये वाला थीटा लिया था, अंदर वाला एंगल अपन ने यूज नहीं किया था, ठीक है। तो टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स मेक, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो पूरा का पूरा तुम सॉल्व, लेकिन अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि दो एंगल्स, दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा होता है दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, इसको आप अगर ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लो, कर पाओगे ना, ये नहीं बता रहा मैं, ट्रिग्नोमेट्री 10th पढ़ के आए हो ना, तो ये खुद से सॉल्व करना, देखो आंसर आएगा 2a into cos ऑफ थीटा बाय 2, इसका मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और tan ऑफ अल्फा निकल के आएगा अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2, दैट्स द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, पूरा समझा देता हूँ मैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये फिगर अपन बना रहे थे, ठीक है, तो इसका अगर अपन को रिजल्टेंट निकालना है स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस से, तो अपन क्या करेंगे, ये एक वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था और ये एंगल थीटा था, तो इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है। अब मैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, ए कॉस थीटा, ये कितना बन जाएगा, ए साइन थीटा, यहां तक ठीक है, और ये कितना है, ए। अब मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का वेक्टर निकालना है, ये वाला वेक्टर, और मुझे ये एंगल भी निकालना है अल्फा, समझाऊंगा क्यों निकालना है। तो ये मैग्नीट्यूड को मैं इसको पी क्यू आर लिख दो, तो इसको पी आर लिख दो, तो पी आर कितना होगा, पी आर होगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ae कॉस ऑफ थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ए स्क्वायर बन गया बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन बन जाएगा, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ae कॉस थीटा, तो ये लिखोगे ना तो वही अपने पास आंसर आ जाता है। तो इसके फॉर्मूला याद रख लो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ae कॉस थीटा, तो इतना अपन ने स्टेप से बच गए अपन, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस बताना चाहता था इसलिए मैंने बता दिया। अब ये एंगल अल्फा कैसे निकालेंगे अपन, अपन लिखेंगे इस ट्रायंगल के अंदर टेन ऑफ अल्फा, देखो जरा ध्यान से, टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा, यहां तक ठीक है। अब ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने फॉर्मूले से, और इसको खोल दिया, इसको कैसे खोला कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू, और वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ये याद होना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, याद नहीं तो ये पढ़ लो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद करो, उसी के बाद लेक्चर देखना, नहीं तो मत देखो, 11th का काम तभी करना जब 10th में पास हुए हो, पास नहीं हुए 10th में तो काम मत करो। दस द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर बाइसेक्ट, अब एंगल क्या आ रहा है अपने पास, एंगल थीटा बाय टू आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं तो ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा बाय टू, अगर ये एंगल थीटा था, अगर इसको उठाकर मैं यहां भी रख दूंगा, जैसे मैंने यहां रखा हुआ इसको उठा के, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा बन रहा होगा, ये एंगल कितना आ रहा होगा, थीटा बाय टू, क्योंकि ये बन रहा होगा ना अपना ट्राइंगल पूरा का पूरा पैरेललोग्राम, समझ पा रहे हो, ये मैग्नीट्यूड भी ए था, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, और ये इसका रिजल्टेंट है, ये एंगल कितना होगा, थीटा बाय टू। और ये बहुत ही ऑब्वियस नहीं है क्या, देखो समझो इस चीज को मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, दो वेक्टर्स है, एक ऐसे एक ऐसे, दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो एग्जैक्टली बीच में से तो होगा, दोनों यार ये भी उतना ही कोफिशियंट
कोई किसी में डिफरेंस नहीं है दोनों वेक्टर्स में। अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं, दो फोर्सेस अगर ऐसे लग रहे हैं किसी बॉडी पे, एक किसी बॉडी को अगर तुम रस्सी से ऐसे खींच रहे हो ऐसे खींच रहे हो, तो बॉडी तो ऊपर जाएगी ना, बिकॉज दोनों साइड से इक्वली खींच रहे हो तुम। हाँ, अगर ये ज्यादा होता तो बॉडी थोड़ी ऐसे मूव करती, अगर ये ज्यादा होता तो बॉडी थोड़ी ऐसी, लेकिन दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल है मतलब बॉडी कहाँ जाएगी? ऊपर, मतलब बीचों बीच, मतलब दोनों के एंगल वाई सेक्टर पे। ये बहुत काम आने वाला है। और एससी वर्मा बुक की बहुत ही खास बात यह है कि बहुत ही, अब ये चीज ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाद में तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे, उसके अंदर ऐसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसा एग्जांपल आएगा तुमको आगे, जब इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ोगे या फिर न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में कैसा एग्जाम्पल आने वाला है। ऐसा एग्जाम्पल आने वाला है कि ये ट्राइंगल है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, क्यू क्यू क्यू, तो मुझे बताओ इसका, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? तो इस चार्ज की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा ऐसा F1, और ये तो पता है ना दो चार्ज रिपेल करते हैं, और इस चार्ज की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा F2। लेकिन कायदे की बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि F1 और F2 दोनों बराबर हैं। F1 और F2 बराबर है तो जो इसका नेट फोर्स आ रहा होगा ऐसे आ रहा होगा, नेट फोर्स मतलब चाहे तुम इनको हटा के अगर इस पे नेट फोर्स ऐसे लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर को मैंने एक वेक्टर से रिप्लेस कर दिया, उसी का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। समझ रहे हो? इसको करने का एक और तरीका, ये याद नहीं करना अपन को, ये जो तुमको लग रहा है कि सर हमको याद करना है कि टू ए कॉस थ्री, याद नहीं करना, मैं इसका एक और तरीका बता दूंगा करने का, आसान तरीका सॉल्व करने का, हम आगे जब पढ़ेंगे चीजों को तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी शायद अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वैक्टर बाय नंबर आएगा, तो अपन क्या खत्म करने वाले हैं आज? मल्टीप्लीकेशन खत्म कर देते हैं फिर, और सब्ट्रैक्शन भी खत्म कर देंगे क्या? सब्ट्रैक्शन भी अपन खत्म कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन भी अपन खत्म कर देते हैं, ठीक है ना? इतना और कर लेते हैं अपन इस लेक्चर में, बेसिक्स कर लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट करेंगे जो भी इसका टॉपिक है, फिर अपन आगे देखेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, सपोज ए इज अ वेक्टर एंड के इज अ नंबर, के एक नंबर है, तो नया वेक्टर बी इज इक्वल टू के, जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? के अगर पॉजिटिव है ठीक है, मैं समझा देता हूँ क्या क्या बोला हुआ है इसमें। जैसे मान लो कोई वेक्टर है, V1 वेक्टर है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, टी का मतलब टूवर्ड्स ईस्ट, तो अगर मैं V2 को डिफाइन कर रहा हूँ, V2 इज इक्वल टू 2 V1, तो इसका मतलब क्या होगा? 10, क्यों? क्योंकि 5 का 10 बन गया 10 मीटर पर सेकेंड, और टूवर्ड्स ईस्ट सेम रहेगा। समझ गया मल्टीप्लीकेशन मतलब? सिंपल है। अब अगर मैं कोई वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ V3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 V1, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड है वो बन गया 10 मीटर पर सेकेंड, वो 10 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव से क्या चेंज होगा? वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। इतनी बात बताई गई है इसके अंदर, ये याद रख लो। समझ में आ रही कोई बात? जैसे अगर मैं एक वैक्टर बना रहा हूँ इस तरफ ऊपर की तरफ, कोई वैक्टर बना रहा हूँ ए वैक्टर, तो माइनस ऑफ 3 वेक्टर कैसा बनेगा? माइनस ऑफ 3 वेक्टर ऐसा बनेगा कि ऐसी तीन लाइन बनाओ, 1 2 3, और नीचे की तरफ बनाओ, ये बन जाएगा -3। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा ये सब फॉर्मूले बाजी नहीं करनी, ठीक है ना? अब इसमें यूनिट मैग्नीट्यूड की बात भी करी है एक, तो मैं बताने वाला हूँ यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1 वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये वेक्टर क्या है? ऐसा 1 मीटर पर सेकेंड हो, मीटर हो, न्यूटन हो, फोर्स हो, कुछ भी हो। अब मैं बोलूंगा वेक्टर ऑफ, अच्छा इसको मैंने नाम दे दिया मान लो ए वेक्टर। अब मैं बोलूंगा 5, इसको मीटर पर सेकेंड ही बोल दो, इसको वेलोसिटी वेक्टर बोल दो, तो इसको बोल दो V1 बोल दो, तो ये बोल दो वेलोसिटी यूनिट वेक्टर, वेलोसिटी यूनिट वेक्टर, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड ईस्ट में होगा, मतलब V1 इसको नाम दे दिया। अब मैं अगर बोलूं कि 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट, तो वापस से बनाने की जरूरत नहीं है, बना भी लो 1 2 3 4 5 इतना लंबा, लेकिन इसको सिंपली क्या बोल दो? 5 V1। सिंपल है ना भाई?
एक यूनिट है, यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड वन है, उसको मैंने वी वन बोल दिया ईस्ट में। तो अगर मैं ईस्ट में ही 5 मीटर पर सेकेंड लेता हूँ तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, 5 V1 बोल दूंगा, है ना। अब आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहीं से हम सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट भी सीख लेंगे। कैसे सीख लेंगे, देखो अगर मेरे को ए और बी दो वेक्टर है, ए माइनस बी करना है तो ए माइनस को बी को लिख सकता हूँ ए प्लस ऑफ माइनस बी। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो एक वेक्टर मेरे पास ए ऐसा है और बी ऐसा है, अब मेरे को ऐड नहीं करना, अब मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले मैं सब्ट्रैक्शन नई तरह से नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही है, बस मैं किसको ऐड कर रहा हूँ, ए माइनस बी कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ ए प्लस ऑफ माइनस बी कर रहा हूँ। मतलब मैंने एक वैक्टर बनाऊंगा ऐसा ए और ऐसा माइनस बी, इसको सी बोल दो, मतलब ये ए प्लस सी की, समझ लो, मतलब ए माइनस बी का मतलब है मैं ए को ऐड कर रहा हूँ सी के साथ, मैं ए और बी का माइनस ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं ए को सी के साथ ऐड कर रहा हूँ, वह सी इज माइनस बी, वहाँ सी क्या है, माइनस बी के बराबर है, बात समझ में आ गई क्या। तो ये सी है, तो मतलब मेरे को अब माइनस माइनस भूल जाओ, मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐड करना है, ए को ऐड करना है मेरे को किसके साथ, सी के साथ। तो प्रोसेस वही रहेगा, ये इनिशियल है, ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो क्या आ गया, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बात समझ में आ गई। तो इसको देख लेते हैं अच्छे से, देखो ए एंड बी आर टू वैक्टर्स, वी डिफाइन ए माइनस बी एज द सम ऑफ वैक्टर ए एंड वैक्टर माइनस बी, टू सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए इनवर्ट द डायरेक्शन ऑफ बी, इन्वर्ट कर दो बी को, बी को उल्टा कर दो एंड फिर ऐड कर दो। जैसे देखो इसमें क्या था, ये ए था ये बी था, दोनों को माइनस करना था, ऐड नहीं करना था, दोनों को माइनस ऐड करते तो ऐसे आता, लेकिन माइनस करने के लिए कह रहा है बी को उल्टा कर दिया, है ना, मैंने भी ऐसे उल्टा करा और अब यहाँ पे इसके बीचों बीच निकलेगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। पैरेललोग्राम लॉ से हम ऐड कर रहे हैं, ट्राइंगल लॉ से ऐड नहीं कर रहे, दोनों टेल्स के बीच में से निकलेगा वेक्टर। मैं एक बार समझा देता हूँ बच्चों को, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कन्फ्यूजन होता है। देखो ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं हम, एडिशन, अभी सब्ट्रैक्शन भूल जाओ, ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं हम, एक वेक्टर को ऐसे लिया एक वेक्टर को ऐसे लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ से यहाँ गया फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, मतलब मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है उस तरफ आएगा, देखो ना ऐसे पॉइंट कर रहा हूँ मैं। पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, बस इस टेल को यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सा देखने में ही अलग है, लेकिन तुम सोचो कि दो चीज़ों को ऐसे खींच रहे हो तुम, एक को ऐसे और एक को ऐसे, तो उसका रिजल्टेंट भी तो ऐसे ही आएगा ना, तो बात सेम है, ऐसे कर लो तो भी रिजल्टेंट ऐसे आएगा और ऐसे कर, वो तो चीज़ सेम ही है, ठीक है ना। अब ए माइनस बी जो है वो क्या है, ए माइनस बी, ठीक समझ में आ गई बात, ए माइनस बी, जैसे अब आगे बता देंगे, अब इसमें दोनों प्रोसेस करके बताए हुए हैं कि, तो बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है कि 5 यूनिट के वेक्टर हैं, 60 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, उनका सम का मैग्नीट्यूड निकालो, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसने फिगर बना दिया, सम तो हम कर देंगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 60, और माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इन्होंने नया फॉर्मूला डिराइव नहीं करवाया, बस ये कॉस को थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिख देंगे, देखो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह 120 कर दिया, बस मैं समझाता हूँ क्या कर रहे हैं पूरा प्रोसेस, है ना, आराम से देखो ध्यान से करो क्या कर रहे हैं। और किसी को कॉस 120 में दिक्कत आती है वो भी समझा दूंगा। देखो क्या कर रहे हैं कि एक वेक्टर 5 का था और दूसरा वेक्टर 5 का था और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये तो समझ में आ गया, ये वाला एंगल नहीं बोलेंगे अपन, दो वेक्टर्स का जो दिशा है डायरेक्शन है उसके हिसाब से अपन एंगल डिसाइड करते हैं, है ना, तो ये इस तरफ जा रहा था वो उस तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो दोनों का एडिशन क्या हो गया, दोनों इसको ए वेक्टर बोल दो, इसको बी वेक्टर बोल दो, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो दोनों का एडिशन तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab cos of 60 हो जाएगा, वो तो अपन निकाल लेंगे, है ना। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए माइनस बी करने के लिए क्या करें, हमने 5 ऐसे बनाया और ये ऐसे बना लिया, मतलब ए माइनस बी कर रहा हूं मैं, तो मैंने क्या लिख दिया इसको ए प्लस बी, ए प्लस ऑफ माइनस बी और ए प्लस सी, इस माइनस बी को मैंने सी बोल दिया, तो ये सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी 5 ही होगा ना, क्योंकि बस उल्टा करा है मैंने। अब पॉइंट क्या है, एडिशन तो करना है मेरे को, अब मेरे को एडिशन भी करना है,
तो नया फॉर्मुला यूज ही क्यों करना है, सेम फॉर्मुला यूज करेंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। और जो नया फॉर्मुला होगा उसके अंदर पॉइंट क्या है कि इन दो के बीच में एंगल क्या है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री नहीं एंगल, एंगल क्या है इसकी दिशा वो है उस तरफ और इसकी दिशा ये है इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा नया वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये वाला एंगल है। दिशा दिशा देखनी पड़ेगी, दिशा क्लास वाली दिशा नहीं, ये वाली दिशा, डायरेक्शन वाली दिशा। एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ऐसे तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। इस वाले केस में ऐसे जा रहा है नीचे, एक ऐसे जा रहा है नीचे में, एक ऐसे जा रहा है उस तरफ, एक ऐसे जा रहा है, तो एंगल क्या होगा, दिशा, दिशा कौन सी, ये पूरा एंगल होगा, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल होगा दोनों के बीच की दिशा। तो ये वाला पूरा एंगल लेंगे हम, एक की दिशा ये है, एक की दिशा ये है, ये एंगल लेंगे। बस ये समझा रहा हूं मैं तुमको, अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और लगानी पड़ेगी। देखो ये एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल तो है, ये एंगल 60 डिग्री है ना, क्योंकि ये तो अपोजिट एंगल है तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। करना एडिशन ही है बस, जो थीटा है उसको किससे रिप्लेस, एक तरह से किससे रिप्लेस कर दिया, ये एंगल दिया ना अपन ने, तो थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, 180 माइनस थीटा से। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इतना सिंपल है फंडा, इतना है सिंपल फंडा है, हालांकि फॉर्मूला कभी काम नहीं आएगा आगे लगाने में। हम जो काम करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फोर्सेस, उसके अंदर फॉर्मूला काम नहीं आएगा, उसके अंदर कुछ और चीज काम आने वाली है। बट तुम फिर भी समझ लो कि अगर मेरे को ए प्लस बी का एडिशन बनाना है तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए और बी के बीच में लेता है थीटा। अगर मेरे को ए माइनस बी का एडिशन बनाना है तो ये हो जाएगा ये चीज प्लस टू ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। क्योंकि इतनी सी बात है कि अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। क्योंकि माइनस करना जानता ही नहीं हूँ, मेरे को नहीं आता, किसी को नहीं आता माइनस करना, ऐसे तो आता है लेकिन अपन करते, माइनस करना नहीं जानता मैं, क्या करता हूँ, मेरे को एडिशन करना आता है किसका, क्योंकि मैं एडिशन किसका कर रहा हूँ, ये किसके बराबर है, ये है बराबर ए और माइनस बी के एडिशन के बराबर है, और ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। आगे की बात समझ में, ठीक है? तो ये फंडा है पूरा की पूरा। तो पॉइंट क्या है, अब बस ये चीज और बताना चाहता हूं मैं तुमको, फिर खत्म करते हैं अपन की कॉस ऑफ 120 कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा मैं साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा देता हूं, अगर क्योंकि ये 10th तक तो नहीं पढ़ते बच्चे, 11th में आके पहली बार, 10th तक हम 90 डिग्री तक पढ़ते हैं, 11th में आके हम थोड़ा फॉर्मुलास को आगे कर लेते हैं। कुछ चीजें समझ लो, पहले अपन साइन की बात कर लेते हैं, कॉस की बात। साइन का मतलब होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, सर्कल बना लो, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को हमेशा हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा हम रेडियस लेते हैं इस तरफ इस तरफ इस तरफ, इसको पॉजिटिव मानते हैं। और जो परपेंडिकुलर्स होंगे, अगर उनको वेक्टर्स बनाऊं तो यहाँ पॉजिटिव होंगे, यहाँ पॉजिटिव होंगे, बट यहाँ नेगेटिव होंगे, यहाँ नेगेटिव होंगे, मतलब यहाँ पॉजिटिव होंगे, यहाँ पॉजिटिव होंगे, यहाँ नेगेटिव होंगे, यहाँ नेगेटिव होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इसमें और इसमें, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव रहेगा और थर्ड और फोर्थ में क्या रहेगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं और परपेंडिकुलर को पॉजिटिव मानते हैं, वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ, ये फालतू में बना दी दो एरोज मैंने, अगर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट करता हूँ, इसका साइन निकालता हूँ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है। अगर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ भी परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है। अगर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है, यहाँ भी परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे जो साइंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। पहली बात ये। दूसरी बात क्या याद रखनी है अपन को, हमेशा जो थीटा पर मेजर करते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। मतलब अगर मैं ये लाइन बना रहा हूँ तो ये थीटा होगा, अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ तो ये थीटा होगा, अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ तो ये थीटा होगा, अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ तो ये थीटा होगा। थीटा को हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उल्टा घुमा के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ हम मेजर करते हैं। बाद में तुम थीटा के डायरेक्शन पढ़ोगे तब तुम जानोगे, और तुम जानोगे तो पाओगे कि जो थीटा है वो हम एंटी क्लॉक, मतलब अगर जैसे मान लो कोई लाइन ऐसे बना रखी है और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो थीटा 30 डिग्री नहीं है, नहीं है। थीटा कितना है, 180 प्लस 30, मतलब कि 210 डिग्री उसका थीटा है। व्हाट इज द थीटा ऑफ दिस एंगल विद द एक्स एक्सिस,
ये दूसरी चीज याद रखनी है। तो पहली चीज अपन को याद रखनी है ये, दूसरी चीज अपन को याद रखनी है थीटा, हमेशा अपन ऐसे मेजर करते हैं। बाकी लॉजिक है, बाकी लॉजिक, बाकी पता नहीं बच्चे फॉर्मूले के याद रखते हैं, बाकी लॉजिक है। देखो जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ, इसको मैं थीटा वन बोल रहा हूँ, और एक और लाइन में ऐसे बना रहा हूँ, इसको मैं थीटा टू बोल रहा हूँ, ये थीटा वन बराबर है, मतलब जितना एंगल पे ये है इतना एंगल पे ये है। मतलब अगर मैं थीटा वन बोल रहा हूँ, थीटा वन कितना है, थीटा वन, और थीटा टू कितना है, 180 माइनस थीटा वन, क्योंकि ये थीटा वन है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, ये कंप्लीट एंगल माइनस थीटा वन, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है, थीटा वन। दोनों के साइन बराबर रहेंगे, दोनों के साइन बराबर क्यों है, बिकॉज ये जो ऊपर जा रहा है उतना ही ऊपर ही जा रहा है ना, और ये रेडियस तो बराबर है। समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस समझाता हूँ तुमको, कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिया 30 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे एक लाइन बनाई जिसका एंगल बन रहा है 150 डिग्री, अच्छा 150 डिग्री मतलब बन रहा है, मतलब ये 30 बच गया ना, बिकॉज ये टोटल 180 होता है। अच्छा अब मैं अगर साइन बनाऊंगा, मतलब ये सर्किल अपन बना के रखते हैं हमेशा, यहीं तक लेते हैं अपन इसकी रेडियस, तो ये चीज़ और ये चीज़ तो बराबर है, बिकॉज सर्किल है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इसका भी ऊपर की तरफ आएगा, इसका भी ऊपर की तरफ आएगा, और परपेंडिकुलर बराबर भी होंगे ना, बिकॉज ट्राइंगल तो सेम से ही होगा दोनों के दोनों। तो साइन ऑफ 30 जो है वो साइन ऑफ 150 के बराबर आएगा कि नहीं। साइन ऑफ 30 मतलब ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव तो क्यों आएगा, बिकॉज ऊपर है। और साइन ऑफ 150 मतलब ये 150 आके ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ अपॉन ये वाला लेंथ, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, साइन 30 साइन 50, ये क्या है, ये अपॉन ये क्या है, साइन 30, और ये अपॉन ये क्या है, साइन 150, क्यों, क्योंकि ये एंगल 150 तो बराबर आएगा कि नहीं। तो इसी को अपन ने फॉर्मूला की शक्ल दे दी कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अलग से याद करने की जरूरत नहीं, समझ लो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अभी मैं 90 डिग्री वालों पर नहीं आ रहा, अभी मैं 180 की बात कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे बने। अब कॉस की बात करते हैं, कॉस में क्या होगा, देखो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव, बट क्योंकि इस साइड को बेस मतलब ये वाला, अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल बनाता हूँ तो उसमें बेस क्या होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये एंगल थीटा होगा, इस तरफ है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन है अपना, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अगर मैं नीचे लेकिन अगर यहाँ बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ, तो ये इस तरफ आ रहा है ना, इस तरफ वाले को अपन नेगेटिव मानते हैं, तो कॉस थीटा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव रहेगा कॉस थीटा और यहाँ नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा, बिकॉज इस तरफ के जो बेसिस मानेंगे, बेस मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब इस तरफ के एक्स एक्सिस अपन नेगेटिव मानेंगे, और इस तरफ के एक्स एक्सिस अपन क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। तो पहले तो ये याद रखना है आपको कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव। दूसरा थीटा तो रोटेट करना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं ये बनाऊँ 30 डिग्री की बात करते हैं, तो जैसे मैंने एक एंगल बनाया 30 डिग्री का, तो ये हो गया मेरा कॉस थीटा, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस दिस अपॉन दिस। और अगर मैं एक एंगल बनाऊँ 150 का, ये 150 डिग्री है, 150 मतलब ये 30 बच गया, मतलब ये दोनों ट्राइंगल सेम है, तो दिस अपॉन दिस दिस अपॉन दिस। तो कॉस ऑफ 30 और कॉस ऑफ 150 ये तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये अपॉन ये पॉजिटिव लेंगे अपन, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। और कॉस ऑफ 150 मतलब क्या है, ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है अपना, तो इस ट्राइंगल में ये बेस और ये है अपने, ये नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम ही ना, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये उतना ये उतना ये उतना ये उतना सब बराबर है, तो वैल्यू दोनों की सेम आएगी। इसके इसलिए अगर इसको मैं थीटा बोलूं, तो इसलिए मैं क्या लिख देता हूं कि कॉस ऑफ 30 जो होगा वो माइनस ऑफ कॉस ऑफ 150 होगा। एक्चुअली ये चीज माइनस होगी, मतलब ये चीज कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस ऑफ 150 का मतलब कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, या फिर ये बोल दो कि कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो ये याद रख लो कि 180 में जब अपन करते हैं डील माइनस में, तो कॉस का नेगेटिव, अब पता नहीं कैसे याद रखोगे, तो मैं तो बहुत ही लॉजिकली याद रखता हूँ चीजों को, तुमको फॉर्मूले से याद रखना, फॉर्मूले से याद रख लो। पॉइंट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो कॉस ऑफ 120 कितना आएगा, कॉस ऑफ 120 क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 120 बन जाएगा माइनस ऑफ, ये क्या बन गया, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 180 माइनस 120। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, मतलब माइनस ऑफ कॉस ऑफ 60, और कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो ये बन गया माइनस हाफ।
तो जब यहाँ पे कैलकुलेशन करा देखो, ये बना 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 120, मतलब -1/2, तो ये बनेगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू -1/2, तो -1/2 कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर माइनस के साथ आएगा तो 5 स्क्वायर बचेगा, तो 5 यूनिट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रॉब्लम को, इसी पूरे प्रॉब्लम को मैं एक और तरह से करवा देता हूँ तुमको, कि जब मैं एडिशन कर रहा था तो क्या हो रहा था। देखो ये 5 यूनिट्स का वेक्टर था और ये 5 मिनट्स का वेक्टर था, और ये एंगल कितना 60 डिग्री। इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, ये एंगल बनाते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को ऐड करना है, एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन बता रहा हूँ मैं तुमको। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे अपन, ये वेक्टर था 5 का, ये वेक्टर था 5 का, ये 60। तो सब्ट्रैक्शन के लिए अपन को इसमें तो कुछ करना ही नहीं, अपन को क्या करना है, ये 5 बनाना है, इसको उल्टा करके ये 5 बना देना है। ये वेक्टर सी है मेरा, ये वेक्टर बी था मेरा, सी इज इक्वल टू -b, समझ में आ रही है। और इन दोनों को ऐड करना है अपन को, ए वेक्टर को और सी वेक्टर को। मुझे देखो ये 5 है, ये 5 है और ये एंगल 60 डिग्री है। अगर अच्छा 5 और 5 अगर मैं ट्राइंगल कंप्लीट करता हूँ तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब कुछ और मान लो इसको, हाँ बीटा बोल दो इसको, नया एंगल, ये 5 है और ये 5 है, तो आइसोसेलेस होना चाहिए और ये एंगल ऑलरेडी 60 है, मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका ये एंगल 60 है और ये एंगल बराबर होंगे, 180 में 60 का तो कितना बचा 120, तो 120 मतलब ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, 60 और 60 मतलब ये साइड भी कितनी आ गई 5। इसका मतलब दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 मिनट्स। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं फिजिक्स को पढ़ने के बहुत तरीके हो जाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं ये वेक्टर्स का। अब देखो एस सी वर्मा के अंदर ये 2 पेज ही हैं केवल, और अभी तो इसके प्रॉब्लम्स नहीं करें अपन ने, अभी अपन ऑब्जेक्टिव 1 करेंगे, ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब देखेंगे इसके ऊपर कितने प्रॉब्लम बन गए। क्योंकि जब मैं एडिशन पढ़ाता हूँ तो मैं पूरे 3 घंटे का लेक्चर लेता हूँ एडिशन का, हालांकि उसमें बच्चे भी काम करते हैं तो 1.5 घंटा ही लेता हूँ इफेक्टिवली, बट समझो इस चीज़ को कि अपन प्रॉब्लम्स करेंगे तो अपन को कितना डेप्थ में जाना पड़ेगा और कितनी चीज़ें अपन को सीखने को मिलेगी। एस सी वर्मा की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेप्थ बहुत है बुक के अंदर, एक एक लाइन की इतनी वैल्यू है ना कि अगर तुम, तो मैं नीट वाले बच्चों को यही बोलता हूँ कि नीट वाले बच्चों चाहे तो तुम है ना एक्सरसाइज मत करो पीछे की, बट तुम थ्योरी और थ्योरी के अंदर जो एग्जाम्पल ले रखे हैं वो ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 एग्जाम्पल्स ये कर लो बस, एक्सरसाइज मत करो चाहे तो। और जो आई टी एडवांस वाले बच्चे उनके लिए तो एस सी वर्मा पूरी कर ली ना अगर अच्छे से, मतलब मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, अंडर 100 जो रैंक होते हैं वो भी एस सी वर्मा कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, तो भी काफ़ी है। और मैं करवाने वाला हूँ पूरी, मैं लेक्चर्स देखते रहो, लेक्चर्स देख लो, और ये मत समझना कि एस सी वर्मा की थ्योरी पढ़ के तुम प्रॉब्लम खुद से अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं। फिजिक्स में इतनी डेप्थ होती है कि हर एक प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या बेसिक्स लग रहे हैं, क्या क्या हो सकता है ना, वो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरे लेक्चर्स देखते रहो, पूरा लेक्चर देख लो एक टॉपिक का, थ्योरी एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज, उसके बाद करने बैठो, उसके बाद हवा में कर लो चाहे ऐसे कि हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं फिजिक्स को, फिजिक्स में बच्चे उल्टा करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि हमने थ्योरी पढ़ ली तो हम सॉल्व सब कुछ कर देंगे। केमिस्ट्री नहीं है फिजिक्स, बायो नहीं है फिजिक्स, मैथमेटिक्स में भी यही दिक्कत है और फिजिक्स में भी यही दिक्कत है कि तुम थ्योरी पढ़ लो और तुम सवाल नहीं कर पाओगे, जब तक तो तुमने वैसे ही सवाल नहीं करे बहुत सारे, करेगा मतलब देखे। तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल्स देखना, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी पढ़ो और फिर कम से कम 100 क्वेश्चंस उसके देखो, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, केवल देखो, केवल उसके लेक्चर देखो। इसलिए फिजिक्स के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स को कोई खुद से करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए लेक्चर चाहिए चाहिए, प्रोफेसर चाहिए ही चाहिए, और अपने साथ तो ऐसे और सर है खुद, तो अपन को दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन नेक्स्ट चालू करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द लाइफ।